सर हमारा पहले ही कहा गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी बातों को कई बार उन्होंने अपने भाषण में भी जिक्र किया है, तो उसमें अब कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो हिंसक हो जा रहे हैं प्रदर्शन, कहीं से भी हिंसा देश के हित में नहीं। जो भी बात करनी हो, आंदोलन का प्रदर्शन का हक तो सबको है, लेकिन हिंसा से बचना चाहिए। और वो छोटे बच्चे हैं, उनसे अपील है कि इसके स्कीम को समझिए। और सरकार ने पहले ही कहा है कि हम पैरामिलिट्री फोर्स में पूरी प्राथमिकता उनको देने वाले हैं, उस ट्रेनिंग का लाभ उनको सीधा हो जाएगा। ट्रेन में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अपने नौजवानों से अपील है, ये योजना आपके हित में है। ये जो लोग इसमें आएंगे, उसको गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें इनको टॉप प्रियोरिटी, यानी इनको सबसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक बड़ा काम है, इसमें गलत फहमी में ना आए। नौजवानों से अपील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी स्कीम लाते हैं वो आपके हित में लाते हैं, और इसमें जो गलतफहमी है सबको हम लोग दूर कर रहे हैं। ये 4 साल वाली जो पॉलिसी है जिसको लेकर नाराजगी है सर, हिंसक जो हो रही है इसी बात के लिए हो रही है कि 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा? नहीं, उनको और पैरामिलिट्री फोर्स में जगह मिले तो उनके लिए तो गृह मंत्री जी का बयान आ जाए कि प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सेना के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स है, BSF है, हमारे यहाँ CRPF है, ITBP है, ऐसी बहुत सारी SSB है, उसके अलावा CISF है, उसमें इन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी।